आज के लेक्चर में एप्टीट्यूड खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आएगा तो जगह जगह पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं इसमें आपके साथ यहाँ पे चाहूँगा मैं कि नोट करें हम। तो एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। आपने जैसे अभी यूपीएससी का टेस्ट देना है कोई भी, तो सभी में एक टेस्ट का नाम क्या है प्रिलिमिनरी का, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्या ये सिंपल मतलब है इसका कि मैथ के सवाल सॉल्व करा लिए रीजनिंग के तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। तो करना क्या चाहते हैं इसे, सिंपल एक चीज़ जो चाहते हैं एप्टीट्यूड से करना, ये चेक कि फ्यूचर में इंसान कितना एबल बन सकता है, ठीक है जी। फ्यूचर, तो एप्टीट्यूड इज अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, कि क्या अगर हम इनको ट्रेनिंग दें तो क्या हम इस कोयले को हीरा बना सकते हैं या ये कोयला ही रहेगा, हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमें क्या बताता है कि हाँ भाई पोटेंशियल है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज अबाउट चेकिंग द पोटेंशियल, तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है। मैं आपको बस क्विक पॉइंटर दे रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है हमारे पास ये। तो सबसे पहले कि अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, ये एप्टीट्यूड है। जैसे होता है ना कि कोई लोग ऑटोमेटिकली पेंट अच्छा करते हैं, कोई सिंग अच्छा है, ठीक है जी, कोई स्विमर ऑटोमेटिकली देखो बहुत सही। जैसे एक मेरा दोस्त है, पहली बार उसको टेबल टेनिस खेलने के लिए बुलाया हमने और उसको अभी बैट पकड़ना भी नहीं आता, और उसके बाद ग्रेजुअली देखते हैं वो टेबल टेनिस बाय द एंड ऑफ द डे 2-2.5 घंटे हो गए हैं और वो इतना अच्छा टेबल टेनिस खेल रहा है। एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा होगा उसका, नेचुरल एबिलिटी होगी टेबल टेनिस खेलने की। तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर तरह की चीज़ जो हम ढंग से कर पाएँ, तो और हर चीज़ में अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ड्राइंग ट्राई करता हूँ, मेरी ड्राइंग हॉरिबल है, तो एप्टीट्यूड नहीं है ड्राइंग का, इट इज़ एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग। अगर मैं इस किसी इंसान का किसी चीज़ में एप्टीट्यूड अच्छा है तो उसको ट्रेनिंग देके फ़ायदा होगा। तो इसीलिए एप्टीट्यूड के बारे में एक बात चाहता हूँ बताना, एप्टीट्यूड बहुत स्पेसिफिक होता है। जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, तो एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस से डिफरेंस कैसे है, क्योंकि डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्रॉडर है, एप्टीट्यूड स्पेसिफिक है। कि स्विमिंग का एप्टीट्यूड, रनिंग का एप्टीट्यूड, जैसे किसी किसी को मैथ को लेके एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं वो, ठीक है जी। एंड अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग से क्या निकलेगा, कॉम्पिटेंस, यू विल बिकम कॉम्पिटेंट टू बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या डिफरेंशिएट करता है, कोयले को हीरे से डिफरेंशिएट करता है कि इस इंसान को पॉलिश करें तो कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है जी। ओके, इट इज़ अ नेचुरल एबिलिटी या टैलेंट टू एक्वायर अ सर्टेन स्किल इन द फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है जी, कि ट्रेनिंग से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। एंड एप्टीट्यूड दोनों हो सकता है आपका, फिजिकल भी या मेंटल भी, कि दिमागी एप्टीट्यूड की बात भी हो सकती है, फिजिकल भी। फिजिकल एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल किसके लिए, जैसे लेट्स से अगर मैं आपको पूछूं कि IAS एंड IPS की बात करें तो किस में आपको चाहिए फिजिकल, किस में मेंटल, आप इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फिजिकल एप्टीट्यूड थोड़ा बेटर चाहिए लेट्स से, या आर्मी वगैरह में फिजिकल एप्टीट्यूड बहुत बेटर चाहिए, मेंटल IAS में ज़्यादा चाहिए, अकॉर्डिंगली गेटिंग इट। एंड मिक्स भी चाहिए हो सकता है दोनों का, मेंटल प्लस फिजिकल का, वेरियस जॉब्स ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड अच्छा, स्किल्स या एबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है, स्किल्स क्या होती हैं जो हमने एक्वायर की हैं पास्ट में, जो मैंने पास्ट में ट्रेनिंग ली या मैंने पास्ट में मैंने जो एक्सपीरियंस गैदर किया उसके उससे जो ओवरऑल जो अब मेरा क्या डेवलप हो गया, स्किल सेट डेवलप हो गया है, ठीक है जी, पास्ट में। एबिलिटीज़ क्या है, आज मैं कैसे कर सकता हूँ काम, प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन की अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताओ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है जी। तो लेकिन अभी आपके पास कुछ नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन अभी आप प्रोफिशिएंट नहीं हो, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे नहीं आ गए हो, आप काम कर लेते हो, लेट्स से पियानो बजा लेते हो, लेकिन AR रहमान को हरा दोगे आप, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आसपास भी नहीं। तो अभी प्रोफिशिएंसी नहीं है, एबिलिटी है टू प्ले पियानो, ठीक है। ओके, अब एप्टीट्यूड, कोई नया गाना मैंने आपको दिया पियानो पे बजाने के लिए, आपने तभी बजा दिया, मैं कहूँगा एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आपको, ठीक है जी। तो एप्टीट्यूड फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, एंड डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन कैन डू। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस मैंने बताया आपको, इंटेलिजेंस ब्रॉडर टर्म है, एप्टीट्यूड स्पेसिफिक टर्म है। अब जैसे हमारे पास कुछ कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं यहाँ पर, कि हमने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट हम एक जनरल टेस्ट से हम उठाते हैं उनको, तो उससे क्या होता है, पुअर सर्विस डिलीवरी। जैसे हमारा यूपीएससी का टेस्ट है, उसमें आप देखो जो GS 1, 2, 3, 4 तोड़े अगर, तो लेट्स से अगर अभी एक रिसेंटली शशि थरूर कमेटी बनी थी, उसने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए जो आप पेपर ले रहे हो, इसके लिए आपने क्या, जो यूपीएससी वालों ने पूछा क्या है, सिर्फ एक छोटा सा कॉम्पोनेंट 1750 मार्क्स के इतने बड़े एग्जाम में, मेंस में सिर्फ आपने हद से हद 100 मार्क्स का पूछा है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस 100 से भी कम पूछा है IR, तो आप कह रहे हो उसी के बेसिस पे आपने IFS सेलेक्ट कर दिया।
तो कह रहे हैं जनरलाइज्ड टेस्ट से आप स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स कैसे निकाल सकते हो, वो कह रहे हैं सर्विस डिलीवरी बहुत पुअर हो जाएगी, एप्टीट्यूड राइट पता ही नहीं चलेगा। तो शशि थरूर कमेटी ने क्या बोला कि हमें सेपरेट पेपर चाहिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज का। तो एग्जाम्पल मेरे पास यही है, बहुत मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने जो ऑब्जर्व करनी है कि जो IFS वगैरह जो पर्टिकुलरली आज की एरा में जब जब इंडिया बहुत ज़्यादा ग्लोबल होता जा रहा है, तो हमें जगह जगह पे नेगोशिएटिंग जो स्किल्स चाहिए कि नेगोशिएट ढंग से करना आना चाहिए हमें, ठीक है जी। अब कि बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, इंडिया चाइना बहुत सारे कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारे IFS ऑफिसर्स क्या वो अच्छे नेगोशिएटर हैं, क्या वो अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं? तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स हैं एंड स्पेसिफिक एग्जाम से ही हो सकती हैं वो, ठीक है जी। तो शशि थरूर कमेटी ने वही बताया। देन अब कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या कॉम्पिटेंस टेस्ट, जो कि किस पे बेस्ड है, थोड़ा सा ये बेस्ड है आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जो ऐसी इंटेलिजेंस जो आपने पहली की कोई चीज़ देखी नहीं थी लेकिन आपको सामने वो प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो? अगर आप हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं तो आपके बोलते हैं आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। सिंपल से एग्जांपल, आप पियानो प्ले करते हो लेकिन मैंने आपके सामने एक ऐसा गाना वहाँ पे आपको सुनाया, अब बोला ये गाना आप प्ले करके दिखाओ, कैन यू प्ले दैट, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ठीक है जी। और लेट से आपने मैथ के सवाल सॉल्व किए लेकिन मैंने आपको एक पहले जैसे आपने कभी सॉल्व नहीं किया सवाल वैसा सवाल दे दिया, आपने सॉल्व कर दिया, फ्लूइड इंटेलिजेंस है। UPSC में सवाल पूछते हैं UPSC अलग अलग तरह के आपको ऑन द स्पॉट दाखिल करने के लिए, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं UPSC में यू कैन नेवर बी इनफ प्रिपेयर्ड। तो वो UPSC चाहता क्या चेक करना आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो वो कॉम्पिटेंस टेस्ट है, इसीलिए UPSC का मेंस वगैरह कॉम्पिटेंस टेस्ट है। लेकिन हम कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे हमारे क्या अटेम्प्ट क्या होता है, हम बच्चों को और रटवा रहे हैं, और रटो और रटो और रटो, हम उसको कॉलेज स्कूल वाला अचीवमेंट टेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, मैं आपको बोल दूँ कि ये देखो सामने पड़ी है एक किताब, इस किताब में से आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, आप भाई कल ये किताब पूरी रट कराओ, ठीक है जी। अचीवमेंट टेस्ट में कन्वर्ट करने की ट्राई हो रही है कॉम्पिटेंस टेस्ट को। तो UPSC ये एक हमारा एग्जाम है, इसीलिए आपको हम जो हमारी मैड सीरीज चल रही है जो भी है उसमें बस हमारा ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एम्फोसिस क्या होता है, क्योंकि कॉम्पिटेंस टेस्ट को अगर आपने कभी भी क्रैक करना है तो आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क चाहिए। तो आप फ्रेमवर्क्स पे अगर काम करना शुरू कर दोगे, स्ट्रक्चर्स पे, आपके आंसर्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप अनहर्ड बिफोर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, आपने कभी पहले देखे नहीं सुने नहीं, तो उनको भी टैकल कर पाओगे, ठीक है जी। तो मैथ सीरीज तो इसलिए मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब होती है तो हम कर लेते हैं काम। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करते हैं, दे चेक फ्लूइड इंटेलिजेंस कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोच सकते हैं, एंड नोवल मतलब नई जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कितना सॉल्व कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट यही करते हैं। क्या आपको पैटर्न आते हैं आइडेंटिफाई करने, GS3 का लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, जाके चेक करना है सभी ने, 2016 का क्वेश्चन GS3 मेंस, उसमें एक पर्टिकुलर नीति आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने बिल्कुल ही ऑल्टर कर दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बोलती थी वहाँ पर, वो बोलती थी कि हमें कुछ करना चाहिए अपने देश में उन लोगों के लिए जो कि काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एंड उसको UPSC ने कैसे चेंज कर दिया कि कुछ UPSC ने उसकी वर्डिंग ही चेंज कर दी, एंड मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वर्डिंग UPSC क्या बोलता है वहाँ पर। जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो इट वॉज अबाउट केयर्ड लेस, जिनका ध्यान कम रखा जाता है, या फिर यूज्ड लेस। इससे क्या समझे आप, ये जैसे लेट्स से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान कम रखा जाता है, एंड लेट्स से जो अब लोग रिटायर हो गए हैं वो यूज़ कम हो पा रहे हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेकिन यूज़ ढंग से नहीं हो पा रहे, कि स्किल्स ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहे। तो UPSC ने क्या किया, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस चेक करने के लिए DD हटा लिए। तो क्या बन गया वो क्वेश्चन कि इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है आपने केयरलेस एंड यूजलेस के लिए। अब ये सवाल बिल्कुल ही बदल गया, केयरलेस एंड यूजलेस कौन से निकम्मे नकारा टाइप्स पे बात आ गई है, कौन से हैं केयरलेस यूजलेस, ड्रग एडिक्ट्स हैं क्या, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्योंकि हम यही यहाँ पे अटेम्प्ट किया हमारा कि ओवरऑल जितना भी हमारा अटेम्प्ट है हमारा यहाँ स्लीपी में आपका कि आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ाई जाए ताकि एग्जाम जैसा भी आए आप उसको टैकल कर पाओ, ठीक है जी। ओके एंड देन जैसे अब जो टीम में इसीलिए कैप्टन का जो रोल है या फिर जो कमांडर का रोल है वॉर में वो यही है कि ऑन द स्पॉट सिचुएशन बदल रही है कैसे बदला जाए ताकि हम जंग ना हारें मैच ना हारें, ठीक है जी। ओके अब क्या एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, यस बचपन में हो सकता है, चाइल्डहुड एंड
जैसे स्कूल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए राइट एज पर आपको राइट प्रोफेशन दे दिया जाए। जर्मनी में 5वीं के बाद शुरू हो जाता है प्रोसेस, इंडिया में डिपेंड करता है कि कोई राय वो कि कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो। लेकिन टीचर की ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट क्या है बताने का, कि टीचर पर का ओनस बहुत हाई है। टीचर आपको सही होना चाहिए तो आपको जो पहचाने। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि टीचर स्टूडेंट रेशो ही बहुत स्क्यूड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है तो टीचर पहचान ही नहीं पाता, टीचर इतना दिमाग ही नहीं लगा पाता। तो जब तक टीचर स्टूडेंट रेशो सही नहीं होती तो एप्टीट्यूड सही होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और एक और चीज़, रिपीटेड एक्सपीरियंस दे रिफाइन स्ट्रैटेजीज, ठीक है जी। तो इसीलिए बोलते हैं आपको यूपीएससी में, देखो ये पूरा पूरा लेक्चर एक प्रवचन की तरह बन जाएगा यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, कि आप रिपीटेडली पेपर लिखो, अपने मॉक टेस्ट दो, आंसर्स लिखो, ठीक है जी। तो आपके रिपीटेड एक्सपीरियंस से क्या होगा, स्ट्रैटेजी रिफाइन होती है एंड यू बिकम मोर कॉम्पिटेंट। अब एग्जांपल्स, और हमारे देश में साइंस कांग्रेस होती है ऑर्गेनाइज हर साल। साइंस कांग्रेस क्या है, तो अब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपनी एबिलिटीज़ या अपना एप्टीट्यूड हाईलाइट करने के लिए, कि वहाँ पर या फिर जिनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था वो भी साइंस फेयर जब साइंस कांग्रेस आएंगे देखेंगे तो शायद वो उनकी रुचि बढ़े, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली वहाँ पर वो अट्रैक्ट हो जाएँ। बहुत एग्जांपल्स है। नेशनल हमारे पास एक इनोवेशन एक फंड भी बना दिया गया है NIF, वो भी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। अभी और एग्जांपल देखो, इंडोवेशन एक जाके इसका विकीपीडिया पढ़ लेना एक बार। इंडोवेशन क्या है, ये जो इंडिया में जो जुगाड़ का आपने नाम सुना है, हम भी एक जुगाड़ सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको क्विक पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि फ्रेमवर्क्स होंगे, फ्रेमवर्क्स हाउ टू राइट आंसर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, फ्रेमवर्क्स हैं। चलो वापस आते हैं। इंडोवेशन इज इंडियन प्लस इनोवेशन, कि जैसे टाटा नैनो, ये इंडोवेशन है। एक हमने एक फिल्टर बनाया जो बहुत ही लो कॉस्ट में सफाई करता है पानी की, एंड देन जो हार्ट के लिए जो स्टेंट्स बनाए गए हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट स्टेंट्स हैं, इंडियन इनोवेशंस हैं वो, ठीक है जी। तो वो ऐसी सब चीज़ें जो कि प्रमोट करती हैं एप्टीट्यूड को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो इसको हमने नेशनल इनोवेशन काउंसिल, ये नेशनल इनोवेशन काउंसिल इसके पहले क्या थी, कहलाती थी इंडियन इनोवेशन काउंसिल, IIC कहते शायद इसको, है ना। तो सैम पिट्रोदा ने बनाई थी वो, तो उसका ये प्रोग्राम था, जाके इसको गूगल कर सकते हो, अगेन आप लिख सकते हो एग्जाम में तोड़ फोड़ जोड़ में क्या करते थे वो, बच्चों को वो स्कूल्स में टॉयज वगैरह तोड़ने फोड़ने पे बोलते थे कि आप करो जो भी है, ताकि आपका क्या हो, क्यूरोसिटी बिल्ड हो एंड हैंड्स ऑन लर्निंग मिले आपको, खुद सीखो कि सामान कैसे कैसे असेंबल करने, कैसे डिसअसेंबल करने, ताकि क्यूरोसिटी एंड एप्टीट्यूड दोनों ही बिल्ड हो, ठीक है जी। एंड उसके बाद अब अगेन हर ये बात लेकिन जानने जरूरी है लास्ट में कंक्लूडिंगली, कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट चीज़ें करने का डिफरेंट एप्टीट्यूड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, किस पे, टीचर पर। तो स्कूल टीचर को राइट एज पे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, कि स्कूल टीचर पहचाने कि इस बच्चे में किस चीज़ का अकॉर्डिंगली पोटेंशियल लग रहा है, एप्टीट्यूड लग रहा है, ताकि राइट उसको डायरेक्शन में सेंड कर दिया जाए एंड अकॉर्डिंगली वो कुछ बेटर कर पाए ह्यूमैनिटी के लिए या देश के लिए, ठीक है जी। तो ये एप्टीट्यूड पर छोटा सा वीडियो था। एंड आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपको हर रोज़ कुछ क्वेश्चन भी दिया जाए। तो क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज का राइट एप्टीट्यूड क्या है, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो किस तरह का राइट एप्टीट्यूड होना चाहिए, कि किस इंसान को सिलेक्ट किया जाए, इसमें क्या क्या खूबियाँ हों, क्या क्या पोटेंशियल में हम क्या क्या देखें, कि हाँ जी ये इंसान में नज़र आया तो हमें इसको सिविल सर्वेंट बना देना चाहिए, ठीक है जी। तो लेट्स सी हाउ डू यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज़ इसको कमेंट्स में लिखो, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर दैट। चलो मिलते हैं जल्दी के लेक्चर में, थैंक यू।